नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। होली के त्यौहार की बधाई देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि होली ऐसा त्यौहार है जो हिंदू संस्कृति का सुंदर त्यौहार है, जो कि सामाजिक रूप से हम साथ रहने का संदेश देता है। एक दूसरे को रंग लगाकर हम साल भर की व्यवस्था को समाप्त करते हैं। होली के रंग में सभी लोग एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, परंतु इस बार की होली की स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि कोरोना का संकट बहुत फैला हुआ है। वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की चुनावी क्षेत्रों में कोरोना संकट न जाने की बात की सफाई देते हुए कहा कि संकट नेता और जनता को देखकर नहीं आता, बीमारी चुनाव के क्षेत्र में नहीं होगी, बाकी क्षेत्रों में होगी, ऐसा नहीं है। भोपाल से सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज सभी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के डीन्स के साथ और उनकी संबद्ध अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के सभी एचओडीज के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संकट में हमारी तैयारियों की पूरी समीक्षा की। ये समीक्षा मुख्य रूप से रोज होने वाले टेस्ट में जो टारगेट हमें अचीव करना है उसको लेकर, और महत्वपूर्ण बात है कि 24 घंटे में टेस्टिंग की रिपोर्ट पोर्टल पर भी दर्ज हो जाए और जो हितग्राही है उस तक भी वो 24 घंटे में पहुंच जाए, इसको सुनिश्चित करना, और पूरे प्रदेश में जो टारगेट दिया है उसको अचीव करना, इसको लेकर बातचीत हुई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग समय पर हो और अधिक से अधिक टेस्टिंग हो। दूसरा, पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में जो हमारा सितंबर महीने का पीक था, उस समय के बिस्तरों में भी 5% का इजाफा करते हुए उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बेड, एचडीयू और आईसीयू बेड, उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। और लगभग सब मेडिकल कॉलेज में जो हमारा टारगेट है वो उन्होंने पूरा कर लिया है। जितने बिस्तर रहेंगे उसका मैन पावर के भी 3 आयाम, डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ, इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि उसमें कोई कमी हो तो उसकी प्रतिपूर्ति समयबद्ध तरीके से की जाए। उसके साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की उपलब्धता और उसके साथ ही जो कोविड के पेशेंट आईपीडी में हैं, जो भर्ती हैं, उनकी पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जांचें वो भी समय से हो सकें, और जितनी WHO और ICMR की गाइडलाइन है उतनी सभी जांच हमारे मेडिकल कॉलेज में जो कोविड के पेशेंट भर्ती हैं उनकी हो सके, उसको लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति समय से करना यह सुनिश्चित किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में सभी हमारे मेडिकल कॉलेज इस भीषण समस्या, कोविड की समस्या के निदान के लिए और उसकी किसी भी तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।